भी करते हैं, उनके भी यहाँ समस्या है, उनके हल्कों में समूह नहीं है। आप ये मांग करते हैं कि आपकी पार्टी के नेता से कि जब किसान का मसला हल नहीं हो रहा है, व्हिप जारी किया जा रहा है, तो आपकी पार्टी को गठबंधन से बाहर आना चाहिए, ये आप कहते हैं? अब तो हालात ये हो गए कि छोड़ देना चाहिए जी, छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से जी। अब बैठने का कोई अधिकार नहीं हमारा, क्योंकि जनता हमारे से नाखुश है, हमें गाँव में घुस नहीं देती। और मैं तो आपके कमरे के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम करवा लीजिए, मैं मान जाऊंगा। डिप्टी सीएम अपने जाके रैली करके उचाने में दिखा दीजिए, मेरा और कोई विधायक हमें खुद जी जाने हाँ ना ना मतलब भी नहीं, डंडेंगे लग उठेंगे जी, लठ ले बैठे हाँ, हेलमेट लोहे के और ये गारमेंट अंडर गारमेंट सारे लोहे के बनवाने पड़ेंगे जी। जो जब जाकर खासतौर किसानों का मामला हल नहीं होता है तो मैं ये मानता हूँ अब जेजीपी को सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। और आपने देवेंद्र जी कल विश्वास प्रस्ताव जो है वो हरियाणा विधानसभा में आ रहा है, आपका क्या स्टैंड है? आप जननायक जनता पार्टी के विधायक है, आपका स्टैंड क्या है? चूंकि आप कह रहे हैं कि मैं किसानों का समर्थन करूंगा, विश्वास प्रस्ताव पर आपका स्टैंड क्या है? देखिए जो कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है, मैं जेजेपी का विधायक हूँ, जेजेपी ने भी जारी किया, जो जेजेपी पार्टी का फैसला होगा वो देवेंद्र सिंह विधायक का फैसला होगा, मैं पार्टी से बंधा हुआ विधायक हूँ जी। सर पार्टी का व्हिप जारी करना जो है उसके बाद आपकी एक तरह से मजबूरी है क्योंकि आप पार्टी किसान के ये प्रावधान ही ऐसा है, आप अपनी बात को चाह कर भी नहीं कह सकते, आप अपनी आपका जो जहां समर्थन दिखाना चाहते हो, हमने किसानों को पहले दिन किसान के मुद्दे को उठाया, बार बार पार्टी में बात रखी, दुष्यंत के सामने बात रखी और सरकार पर किसानों का जो दबाव था उसको निपटाने के लिए हमारी जेजेपी पार्टी के लिए जो विधायक दल की मीटिंग हुई तो मेरे ख्याल से 6 या 7 बार बुलाया गया, बिठाया गया जी। जो हल्के की समस्याएं थी हमने दुष्यंत जी को बताने का काम किया, किसानों की परेशानी को बताने का काम किया और ऊपर सेंट्रल सरकार के साथ मिलके या स्टेट पर मुख्यमंत्री से मिलके इसको मिटवाने के लिए बार बार हर विधायक रिक्वेस्ट करता है, उसमें से बबली अच्छा जेजेपी और विधायक है जी, सब करते हैं, बीजेपी के भी करते हैं, उनके भी यहाँ समस्याएं, उनके हल्कों में समूह नहीं है। आप ये मांग करते हैं कि आपकी पार्टी के नेता से कि जब किसान का मसला हल नहीं हो रहा है, व्हिप जारी किया जा रहा है, तो आपकी पार्टी को गठबंधन से बाहर आना चाहिए, ये आप कहते हैं? अब तो हालात ये हो गए कि छोड़ देना चाहिए जी, छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से जी। अब बैठने का कोई अधिकार नहीं हमारा, क्योंकि जनता हमारे से नाखुश है, हमें गाँव में घुस नहीं देती। और मैं तो आपके कमरे के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम करवा लीजिए, मैं मान जाऊंगा। डिप्टी सीएम अपने जाके रैली करके उचाने में दिखा दीजिए, मेरा और कोई विधायक हमें खुद जी जाने हाँ ना ना मतलब भी नहीं, डंडेंगे लग उठेंगे जी, लठ ले बैठे हाँ, हेलमेट लोहे के और ये गारमेंट अंडर गारमेंट सारे लोहे के बनवाने पड़ेंगे जी। जो जब जाकर खासतौर से जेजेपी के विधायक हम तब बच पाए जी, इसलिए आप ये कहते हैं कि वापस हटना चाहिए सर? मेरे हिसाब से हट जाना चाहिए, अगर किसानों का मामला हल नहीं होता है तो मैं ये मानता हूँ अब जेजेपी को सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। ठीक सर, आपने दावा भी किया था कि आपके साथ पीछे 5 से 6 विधायक ऐसे हैं जो किसानों, देखिए भाई यार कोई किसी अगर लगो नहीं, सारे कुर्सी के चिमड़े बैठे हैं, कोई किसी अगर लगो नहीं, उरे सारे रोटियां अपनी से कहें, जिसने मौका मिल जाए बकल के खा जाए। ये तो कोई मैं गलती से इस दूसरी क्लास में शामिल हो गया हूँ और मेरा ये मन नहीं है, मैं जनता की आवाज बनके आया था, जनता की आवाज बनके रहना शामिल कहा सर, लेकिन इस्तीफा तो आप भी नहीं दे रहे ना, खाली कहीं मेरा इस्तीफे से क्यों जगह आपसे हो सकती है? मैं इस्तीफा देती हूँ, इस्तीफा वापस ले लो ना समर्थन, मेरा इस्तीफा इसे बनाया था, मैं जनता ने बनाया हूँ, जिस दिन मैं 1 लाख लोग इकट्ठे कर लूंगा और वो 1 लाख लोग मेरे को कह देंगे ना इस्तीफा, उसी दिन देंगे 2 सेकंड में, मैं इस विधायक का भूखा नहीं हूँ, मैं जनता के प्यार से आया हूँ। किसान वो कह रहे हैं हाँ मेरे घर गए थे भाई, गए थे, मैंने खुद ने चाय लड्डू में तैयार रखूँ, उनका प्रेशर जायज है, उनके बाल बच्चे सारे सड़कों पर सड़ रहे हैं, वहाँ पर बैठे हैं, भूख मर रहे हैं, व्यवस्था खराब चल रही है, यहाँ के फसल आई खड़ी है, उनकी मजबूरी को शौक में थोड़ी बैठे हैं, निपटाना चाहिए इसको, क्यों नहीं निपटा पा रहे हैं? यहाँ बड़ी बड़ी बातें विधानसभा में बोलने से एक्चुअल में किसानों का दर्द वही समझ सकता है जो किसानी से उस जमीन की पैदा से बड़ा हुआ, वो मैं हुआ, मुझे तकलीफ है। आज हम किसी पार्टी के साथ विधायक बन के आगे, मेरा ये मानना है कि आज हमारा कोई हक नहीं है सरकार के साथ खड़े रहने का, या तो सरकार इसको निपटाए 15 दिन में, नहीं तो मैं आज खुद कह रहा हूँ कि हमें अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। सर अविश्वास प्रस्ताव पे मजबूरी रहेगी आपकी कल, जैसे आपने कहा मजबूरी है भाई, क्यों नहीं जाऊँगा, अगले भी जारी कर दिया आज जाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं कहेंगे चल तू बाहर, 15 दिन बाद कोई नया स्टेप आप ले सकते हैं जैसे आपने कहा, 15 दिन जनता में जाऊंगा, अब जनता के बीच में जाएंगे भाई, ठीक है, लोगों को इकट्ठा करूंगा जी और कह दूंगा भाई ये हाल है, मैं इस हल्का का दुर्दशा करने के लिए विधायक नहीं बना था। मतलब कांग्रेस ठीक कह रही थी कि बाहर आकर के किसान, कांग्रेस का ठीक है, कांग्रेस की अपनी जगह रह रही है, कोई विपक्ष का काम है, कोई लीडर वाली बात करता है, कोई गैरत बच रही है, कहीं नहीं बच रही है, सिवाय टटोरने के बटोरने वाली राजनीति के अलावा कुछ नहीं बच रहा, सत्यानाश होना है, उस ट्रैक पर जा चुका है प्रदेश।
बबली जी, लेकिन जो कांग्रेस कांग्रेस जो है पार्टी समर्थन नहीं लेती तो आप कुछ कदम उठाओगे जैसा आपने कहा कि 15 दिन का समय? मेरे हल्का के लोगों के बीच में बहुत जल्दी मिलूंगा और आप सारे वहां आपको इनवाइट करूंगा। अगर हल्के के लोग कहेंगे बिल्कुल एक सेकंड लगाऊंगा, अगला आधा सेकंड को लगाऊं। रात को कोई हृदय परिवर्तन हो जाए, कल ही अविश्वास प्रस्ताव पे ऐसा कुछ लगे, क्या फायदा होगा? मेरे तो अभी भी हृदय परिवर्तन है, मेरे तो हाथ लाके देख बड़क बड़क रहा है ना आपकी, मेरे तो हृदय साफ है भाई, बिल्कुल दूध जैसा, मेरे को नहीं आती है दूसरी तरीके की बातें। मैं साफ सुथरा आदमी, साफ सुथरी बात करनी आती है। व्यवसायीकरण कर दिया गया है और सिस्टम डिस्टर्ब क्यों, सारी बातें क्यों लगाना चाहते हो, जब मौका आएगा सारी बताऊंगा आपको। धन्यवाद। अविश्वास प्रस्ताव पे आप सरकार के खिलाफ वोट डाल सकते हो क्या? क्या हो जाएगा? मेरे बोर्ड से सरकार गिर जाएगी, मैं डाल दूंगा। बताओ क्या, आप समझदार हो, पता करता करते हो, मेरे बोर्ड से सरकार गिरती है मैं आज ही डाल देता हूँ। क्या मैसेज आएगा भाई? तीन चार लोग और वहां लड़का को खराब कर दूंगा, क्या मैसेज आएगा? कोई मैसेज नहीं जाना। ये पूरी पार्टी स्टैंड ले, जो आजाद बैठे हैं सब विधायक बन के आए, बड़ी मुश्किल सबको लगता है, मेरे को सारे भाई सब बड़ी मुश्किल पड़े हो। अरे मगर ना बढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा? अगर दोबारा ना भी बढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा? मैं नहीं बढ़ूंगा कोई और बन जाएगा, जो बने थे उन्होंने माला ला ली थी। बेसिकली जो आज किसान की समस्या है उसको दिल से कोई नहीं सोच रहा है, सब उसके पीछे अपना राजनीति का अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, और आम आदमी आम किसान उसका शिकार है और वो तकलीफ में है।